आज हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े जाने माने और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी, विवेक तनखा जी और मैं तो वकील नहीं हूं, पर वो तीन वकील हैं। हम लोग निर्वाचन सदन आए, निर्वाचन आयोग के सदस्य जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ओपी रावत जी, उनसे मिले और हमने दो उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है कुसुम फिनसर्व के बारे में, और जो एफिडेविट अमित शाह जी ने फाइल किया था एक साल पहले जुलाई 24, 2017 को, वो अधूरा है। उसमें जानकारी छुपाई गई है, जो संपत्तियां हैं वो सही हैं, पर जो लायबिलिटीज़ हैं, ज़मीन, दो ज़मीन के आधार पर उनके बेटे ने करीब 25 करोड़ रुपया का उधार मिला है उनको कालूपुर कोऑपरेटिव बैंक से, वो जानकारी एफिडेविट पे नहीं है। ये कानून का उल्लंघन है और हमने चुनाव आयोग से कहा है कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए।